हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक की एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे हम फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं। आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों आपको इन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखना नहीं है, बल्कि एक सेकंड के लिए प्रेस करना है और छोड़ देना है, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बता देती हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने 3 फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे स्क्रॉल करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने 3 फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप किया एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों अगर 3 फिंगर्स से आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर ना हो रहा हो तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं स्पेशल फंक्शन की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी एक्शन एंड जेस्चर की, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं 3 फिंगर्स की। आपको क्या करना है, इसे यहाँ से ऑन कर देना है तो आपके फ़ोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा।